क्या है समां क्या आसमां। सर क्या बोल रहे हो सर? कुछ नहीं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अगला 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 क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? हम जानते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बराबर। और उसमें हम क्या कर रहे हैं सर? हम फॉर्मूले हमने याद रखे हैं सर, आपने जितने भी बताए थे बराबर। हमने कुछ क्वेश्चन देखे भी हैं, उसके बाद हम अगली बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन हमें बताओ सर। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, प्रूव दैट 1 प्लस टैन थीटा इंटू टैन टू थीटा इक्वल टू सेक टू थीटा, ये प्रूव करना है। जब कभी क्वेश्चन आता है प्रूव दैट का, तब आपको क्या करना है ये बता देता हूं पहले। प्रूव दैट जब जब आएगा आपको, तो LHS एंड RHS लेना है बराबर। LHS एंड RHS लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज है, आपको कोई भी चैप्टर हो यार, सीक्वेंस में देखना है बराबर। पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने नंबर देके रखे हैं टाइटल में, देख सकते हो आप। ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, बीच में से कोई भी वीडियो नहीं देखना है। ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो सबसे पहले यहां पर स्टेप वन करते हैं LHS। क्या करना है आपको स्टेप वन? LHS तो LHS में जो भी होता है वो लिख लेना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर का। ओके सर, वो लिख लिया, 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन ऑफ टू थीटा। लेकिन सर यहां पर हमको क्या प्रूव करना है? सेक ऑफ टू थीटा लाना है बराबर, इसका आंसर। तो हमको एक टेन जब भी देखते हैं ना सर, हमको एक फॉर्मूला जरूर याद आता है जो आपने बोला था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन। याद नहीं है तो याद रख लो, पहले लेक्चर में बताया था बराबर। ओके सर, समझ गए। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे सर आप क्या कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख दो। अब इसका क्या करें सर? इसका भी वही करना है। क्या करना है सर? यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे भी 2 थीटा लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? साइन टेन थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो टेन 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो थीटा लगाओ, 2 थीटा है तो 2 थीटा लगाओ, क्या फर्क पड़ता है बराबर। ओके सर, समझ गए। अब क्या होगा सर, ये वाला जो डिनोमिनेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एडिशन बीच में प्लस है तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर। तो दिस इनटू 1 तो क्या आता है? 20 आता है। मतलब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आएगा। मतलब क्या आएगा? कॉस ऑफ 2 थीटा, या फिर थीटा भी पहले लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस ऑफ थीटा इनटू या फिर प्लस, या फिर पहले यहां पे थीटा है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले थीटा ही लिखता हूं। आप फिर बाद में बोलोगे सर पहले 2 थीटा क्यों लिखा बराबर। ओके, प्लस ये वाला साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन अपॉन में ये जो भी डिनोमिनेटर है वो लिखना पड़ेगा। अब ये ऊपर का न्यूमरेटर देखो, ये वाला न्यूमरेटर देखो, इसको देख के एक चीज याद आपको आनी ही चाहिए अगर आपके फॉर्मूले याद है तो। कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, किसका फॉर्मूला है? कोकोसीसी सर, कोकोसीसी, कोकोसीसी सर, कोकोसीसी। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था? यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये रेड कलर में फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है सर। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला था सर। किसका? कॉस ए माइनस बी। मतलब इसका अगर ये होता है तो ए की जगह पर क्या है, यहां पर ए की जगह पे यहां पर क्या है देखो ना, कंपेयर करो। कॉस ए, ए की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? थीटा। और यहां पर बी है तो यहां पर क्या है? 2 थीटा बराबर। इसका अगर ये होता है तो इसका क्या होगा? सिर्फ ए की जगह पे क्या रखूंगा मैं, तो LHS क्या बन जाएगा इस बार हमारा बराबर। इसका कॉस ए माइनस बी होता है तो ए मतलब कितना है? थीटा माइनस बी की जगह पे कितना रखना है? 2 थीटा अपॉन नीचे का जो भी है वो एज इट इज आएगा। समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हैं सब लोग?
देखिए इसका अगर ये लिख सकता हूं तो ये पूरा जो न्यूमरेटर इसका मैं ये लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया, ए की जगह पे थीटा रखा, बी की जगह पे टू थीटा रखा, देखिए ए बी ए बी। अच्छा सर समझ गए, अब थीटा माइनस टू थीटा कितना आएगा? मैंगो, एक मैंगो माइनस दो मैंगो, क्या बात कर रहे सर, ऐसा कभी माइनस होता है क्या? तो हम इस वक्त क्या करते हैं, वन माइनस थीटा मतलब वन थीटा है ना, बराबर, तो हम दो में से एक माइनस कर देते हैं और बड़े वाले साइन का, बड़े वाले का साइन देते हैं, बराबर। तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ टू थीटा माइनस थीटा करेंगे, एक थीटा, दो मैंगो माइनस एक मैंगो, एक मैंगो सर, लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहां पर माइनस थीटा आएगा। और नीचे का क्या करेंगे सर, उसको तो एज इट इज लिखो, तुम क्यों चिंता करते हो उसकी, बराबर। लेकिन सर हमको एक बात आपने बोली थी, क्या बोली थी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है सर, कॉस के अंदर का माइनस गायब होता है सर। अच्छा ओके, तो कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ टू थीटा। लेकिन सर देखो ये क्या कट सकता है क्या सर? हाँ जरूर कट सकता है, लेकिन सर डिनोमिनेटर में कॉस है, मतलब आपने एक चीज बोली थी सर, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। अच्छा तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा, थीटा तो थीटा, टू थीटा तो टू थीटा, तो फाइनली क्या आया हमारा, कॉस टू थीटा का उल्टा क्या होगा फिर, सेक टू थीटा, और यही तो आरएचएस है, देख लीजिए यहां पर इज इक्वल टू आरएचएस, हो गया खत्म। ऐसे लिखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क मिलेगा आपको, चार मार्क का सवाल है ये, एक दो नहीं चार मार्क मिलने वाले हैं, बराबर। आई होप आपको समझ में आ गए। सर क्विकली बता दो कैसे किया आपने, आपको कैसे समझ में आएगा? पहली बात तो मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, ये सवाल मैंने कम से कम 100 बार सॉल्व किया होगा आज तक, 100 बार कम से कम, बराबर। तो 1 plus tan theta मुझे सेक करना है, तो इस लेवल पे अभी जितने जितना बड़ा है तो मुझे टेन के बारे में एक ही बात पता है, तो एक तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे याद है, और tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो a प्लस बी का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, tan ऑफ समथिंग प्लस समथिंग होता तो हम करते ऐसा कुछ, तो tan के लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और ट्राई करो ना, गलत हो गया तो मिटा देंगे और तरीके से करेंगे, बराबर ठीक है। तो sin थीटा ये लिखा, तो ये मैंने ये क्या किया, ऐड करने की कोशिश की, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया, तो ऊपर जैसे ही ये दिखा ना तो मुझे ये फॉर्मूला याद आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में है, दिमाग में नहीं होगा तो याद नहीं आएगा, रिमेंबर दिस। तो इसका अगर ऐसा होता है तो ए और बी की जगह पे थीटा टू लेकर ऐसे हो गया, तो जैसे ही ये आया ना तब मुझे समझ में आ गया था अब तक कि मेरा तो हो जाएगा काम, बराबर। तो कॉस माइनस थीटा, माइनस गायब कर सकते हैं कॉस का डायरेक्टली, ये फॉर्मूला है, कहां गया नहीं पूछना, ये फॉर्मूला देखो ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कॉस थीटा गायब हो गया, और कॉस अगर ऊपर जाता है तो उसका सेक होता है, रिमेंबर दिस, मतलब प्रूव करने को बोला है तो प्रूव हो जाएगा, डोंट वरी ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, करते हैं फिर अगला सवाल।